आपको आने वाला है मजा। और इस करियर मोड में मैंने चेंज किया थोड़ा बहुत, और वो चेंजेस क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ा देर में बता देता हूँ। जैसे कि हमने, मेरा नल्ला सा कैप्टन है रणजी में, और ये नल्ला कैप्टन कभी टॉस जीतता ही नहीं है, तो ये नल्ला सा कैप्टन टॉस हार चुका है और हम कर रहे हैं फील्डिंग। और पता नहीं आप पोजिशन वाले कैसे बैटिंग चूज कर लिए, ठीक है बैटिंग लिया अच्छा बात है। चलो सीधे चलते हैं बॉलिंग की ओर, और क्या चेंजेस मैंने किया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जस्ट भाई 9वां ओवर ही मेरे को विकेट दे दिया। सो मैंने चेंज किया है अपना बॉलिंग एक्शन, और मैं अब बॉलिंग करूंगा लेफ्ट आर्म बॉल से। आई नो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, मतलब ऑन गोइंग सीरीज में मैं कैसे लेफ्ट आर्म शिफ्ट कर सकता हूँ, बट ठीक है मैं ट्राई करके देख रहा हूँ कि लेफ्ट आर्म बॉलिंग मेरे से अच्छा बॉलिंग होगा तो हम वही करेंगे। ठीक है लेट्स गिव, और आप अपना लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन हिट कर दो, और मत जितना प्यार आप लाइव स्ट्रीम में दिखाते हो उतना ही प्यार आप वीडियो पर भी दिखाया करो दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में ज्यादा टफ होता है। ठीक है लेट्स गो, देखते हैं क्या विकेट आज हमें मिलने वाला है या फिर नहीं। और बॉलिंग अभी हम कर रहे हैं हार्ड पर, और इसी के साथ पहला चौका भी आ गया। मुझे पता है भाई ये पकड़ नहीं पाएंगे, मुझे पता है दोस्त इनका रग रग से वाकिफ हो चुका हूं मैं इस टीम का। चलो पहला ओवर से आया सिर्फ 7 रन, और एक तो यार मुझे करियर मोड में बॉलिंग मेरे से नहीं होता है, ये चीज मैं मान सकता हूँ कि मेरे बॉलिंग करियर मोड में नहीं होता है, उसके बावजूद भी कैप्टन 10वां ओवर मेरे को दे रहा है। ब्रो किसने तेरे को कैप्टन बनाया दोस्त, मेरे को बता, मैं उस आदमी से अभी मारपीट करके आता हूँ। ठीक है मतलब तुम स्पिनर्स को 10वां ओवर दे रहे हो तो फास्टर को क्या करोगे भाई। चलो शुरू करते हैं अपना दूसरा ओवर, और ठीक है आज विकेट आता है नहीं आता देखते हैं, विल सी। बट विकेट आए चाहे नहीं आए चौका जरूर आ जाता है, क्योंकि फील्डिंग थोड़ा सा खराब है, मेरे बॉलिंग के अकॉर्डिंग फील्ड नहीं है, तो फटाक से फील्ड सेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली विकेट आ चुका है भाई, बहुत देर के बाद फाइनली एक विकेट आ गया, और लिटरली ये वाला विकेट टफ था क्योंकि पिच बिल्कुल फ्लैट है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं बॉलिंग किस टाइप का करूं, लेकिन फाइनली तुम्हारे भाई ने एक विकेट ले लिया। लेट्स गो, इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब करो, और हम बढ़ते अपने दूसरे विकेट की ओर। अभी तक टोटल सिर्फ एक विकेट गिरा है और वो तुम्हारे भाई ने ही लिया है, तो चलो ठीक है। और इस प्लेयर का वीकनेस अगर देखें तो सब प्लेयर का वीकनेस स्वीप ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे खिला रहा हूँ और ये स्वीप नहीं कर पा रहे। एक चीज तुम आज देखोगे जो थोड़ा स्लाइडिंग डिफरेंट है मेरे बॉलिंग एक्शन से, वो ये है कि आज डिफेंसिव बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, आज अटैकिंग बॉलिंग कर रहा हूँ, जिसके कारण रन भी आ रहे हैं बट हाँ उसी के साथ साथ विकेट भी आया है, तो ये एक काफी अच्छा हो सकता है सेट बैट्समैन को आउट किए। और इसी के साथ हमारा ओवर खत्म होता है, फोर्थ ओवर जिसमें रन दिए हम 21 रन और एक विकेट के साथ। एक और विकेट, लेट्स गो भाई, आज बॉलिंग अच्छा हो रहा है ब्रो, क्योंकि आज मैं बहुत शांत होकर बॉलिंग कर रहा हूँ इसीलिए आज बॉलिंग आ रहा है, और आज मजा भी आ रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि आज हमारा हिट हो चुका है 5000 सब्सक्राइबर, तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू दोस्त। सो चलो अभी कोशिश करते हैं कि इतना विकेट ले रहा हूँ तो एक फाइवर भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि 3 मैच में मैंने 2 मैच में ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच मेरे को मिल चुका है, अगर ये मैच भी मैन ऑफ द मैच मिलता है तो सिलेक्शन और नजदीक हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई, एक और विकेट, बातों बातों में तुम्हारे भाई ने एक और विकेट निकाल लिया, मतलब 3 विकेट हो चुका है, अब हमें चाहिए सिर्फ 2 विकेट चाहिए एक फाइवर के लिए। लेट्स गो, एंड आप बताना आपका शॉट ऑफ द डे क्या है, बॉल ऑफ द डे क्या है, क्योंकि अभी तक आपने बैटिंग नहीं किया है तो हमारा शॉट ऑफ द डे तो नहीं हो सकता है, लेकिन बॉल ऑफ द डे हो सकता है, तो आप बताना कि हमारा बॉल ऑफ द डे क्या होने वाला है। एंड हाँ, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, किस चीज का वेट कर रहे हो दोस्त, सब्सक्राइब कर दो। कैसे नहीं लगा ये वाला भाई, ये वाला कैसे मिस हो सकता है यार, कुछ भी करते हैं ब्रो ये वाले गेम वाले, माँ कसम भाई इतना चीटिंग करना होता है भाई, कैसे ये हिट नहीं किया विकेट पर भाई, माँ कसम अगर मैं होता ना मैं 4 बार आउट होता इस पे, ये कैसे हिट नहीं है, ये आउट नहीं है, अरे माँ कसम इसको मैं थंबनेल लगा दूंगा भाई, ये कैसे आउट नहीं है, अरे यार क्या किस्मत है भाई, इतना अच्छा किस्मत काश मेरा भी हुआ करता, मतलब कभी जिंदगी में
ठीक है। अरे माँ कसम यार। ओके, तो फिर से आ चुके हैं वही 7 ओवर में हमने रन दिया 32 और 3 विकेट लिए हैं, नॉट बैड। और 1 सेकेंड, बंदे ने कॉन्फिडेंट आ गया यार। उस टाइम मैं इसका विकेट ले लेता अगर उस टाइम वो चौका या फिर कुछ भी जाता तो। अभी ये बंदा सेट हो गया थोड़ा सा और उस टाइम ये नहीं खेल पा रहा था मेरे को, इसलिए मैं मार आ विकेट ले सकता था इसका। अभी ये बंदा खेल रहा है अच्छा, तो इसका विकेट लेना मुश्किल है। ये बंदा मेरे हाथ से ही आउट होगा, तुम देख लेना, ये बंदा मेरे हाथ से ही आउट होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं ये बंदा मेरे हाथों ही आउट होगा अब जब भी आउट हो। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था, इस मैच में है शिवम दुबे, मतलब मुंबई के साइड से बैटिंग कर रहे शिवम दुबे, और उनका विकेट कौन लिया पता है तुम्हें? ये देखो, मैंने शिवम दुबे का विकेट मैंने लिया है, लिटरली शिवम दुबे जो लिटरली अभी इंडिया के लिए खेल रहा है वो शिवम दुबे का विकेट अपन ने लिया है, तो लेट्स गो। और इसे मैंने देखा था बट मैं गौर नहीं किया कि शिवम दुबे का विकेट मेरे हाथों आया था। चलो भाई, हम फेंक चुके हैं 11 ओवर जिसमें हमने रन दिया है 45 और अभी तक 3 विकेट ही हैं। ये काफी अच्छा खेली है टीम, नो डाउट, तारीफ तो बनता है इस टीम का। बट अभी जो खन्ना साहब है वो है 98 पर। आई रियली अप्रिशिएट अंकर मैं इनको आउट कर दूं ना 98 पर, तो जो स्वाद और मजा आने वाला है ना वो चार चांद लग जाएगा उसका। लेट्स ट्राई कि इन भाई को निपटाते हैं, पिछला ओवर में निपटा ही दिया था, बस थोड़ा सा बच गए थे कि इंपायर की वजह से, बड़ा इंपायर। और इस गेम में रिव्यू नहीं है, और रिव्यू भी है भी तो पता नहीं यार, मैं ले नहीं सकता हूँ आई थिंक, नहीं रणजी पर रिव्यू नहीं होता है, तो अगर ये आउट दे देता पता नहीं क्या जाता साले का, लेकिन हाँ इसने नहीं दिया है, तो चलो 1 विकेट और खोजते हैं। चलो इसी के साथ खन्ना साहब का 100 तो करा ही दिया मैंने, और वो भी मेरा ही ओवर में हुआ है। चलो ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, बंदा ने अच्छा खेला। 144 बॉल पर 98 रन और सेलिब्रेशन अच्छा है, कभी कभी अपोजिशन को भी दे देना चाहिए यार क्रेडिट, अच्छा खेला बंदा ने। तो एक बात बताऊं तो मुंबई की टीम ने बहुत अच्छा खेला, लिटरली मतलब भाई अनबिलीवेबल वाला गेम खेला। 84 ओवर में 293 रन और 5 विकेट ही सिर्फ गिरा अभी तक। और अच्छा, तो ये लोग अब थोड़ा सा गेम को फास्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक लग रहा है जो कैप्टन है हमारा उसने नया बॉल ले लिया है। हाँ, बॉल साइन कर रहा है, तो कैप्टन ने नया बॉल ले लिया है, और आज का दिन के लिए सिर्फ 2-4 ओवर ही बचा हुआ होगा, तो D1 ऑफ होने वाला है, तो ये चाहेंगे कि थोड़ा बहुत रन आ जाए। और लिटरली बॉल भग रहा है भाई, भाई बॉल घूम नहीं रहा, और बैट पर जो कनेक्शन के साथ बॉल आ रहा है ना, मतलब बता नहीं सकता हूँ बॉल को कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर स्पिनर्स को बॉलिंग देना थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, तुम्हें कैसा लगा बताना यार, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सच बताऊँ तो स्पिनर्स को यहाँ देने लायक था नहीं, बॉल अच्छा ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर फास्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। एक सेट बैट्समैन इसके अलावा और नहीं आउट हो सकता है कैसे भी, क्योंकि मैं मानता हूं एक बार बैट्समैन अगर सेट हो गया ना फिर तो बॉलर उसको आउट नहीं कर सकता है, वो खुद ही आउट होकर के जाएगा। और लिटरली ये बॉल पर ये विकेट देखकर तुम यही बोलोगे कि भाई इस बंदे ने अपना विकेट मेरे को देकर गया है। थैंक यू सो मच दोस्त, फाइफर का हम और नजदीक पहुंच चुके हैं, 14 ओवर में 55 रन और 4 विकेट के साथ, मतलब 1 विकेट दूर है हम फाइफर से। तो ये है आज का लास्ट ओवर मेरे को जहां तक लगता है, और 1 सेकेंड बहुत क्लोज था विकेट से, बट कोई बात नहीं, हमारा किस्मत ऐसा ही है, नो डाउट किस्मत काफी अच्छा है मेरा, इसमें मैं नहीं कुछ बोलूंगा। बट हाँ चलो ठीक है, ये लास्ट ओवर हो सकता है आज पूरे दिन का, और ट्राई करते हैं कि 1 विकेट और आ ही जाएगा तो क्या दिक्कत है, मैं ट्राई कर सकता हूँ और उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ आई ट्राई माई बेस्ट, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इस ओवर में 1 विकेट ले लेने का। चलो इसी के साथ टीम ऑल आउट हो चुकी है, और हमारी टीम लिटरली आज के मैच में बहुत अच्छा खेली है, क्योंकि 189 पर 3 विकेट, और इस बॉल पर हम दिखाएंगे, इस बॉल के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कितना रन मारना है हमें, कितना रन डिफेंड करना है, या फिर कितना रन पीछे हमें। तो चलते हैं सीधा मैच समरी की ओर, और मुंबई मारी है 323 पर ऑल आउट और हम पीछे 134 रन। आई रियली अप्रिशिएट भाई, दत्ता भाई ने बहुत अच्छा पेला है, मारा है,
ठीक है, लेट्स गो एमआरए फिथ एसके गेमर, कम ऑन लेट्स गो। और हम शुरू करते हैं करियर मोड, क्योंकि ये तो अब हमारा बैटिंग शुरू हो चुका है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि यहाँ पर एक 50 या फिर 100 लग जाए तो सोने पर सुहागा नहीं हो जाएगा। चलो एक टेस्ट इनिंग खेल कर दिखाते हैं। इसी के साथ पहला रन आया बैट से, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और आप अपना शॉट ऑफ द डे भी बता सकते हो। जैसे ये हुआ हमारा पहला चौका। आई नो कि मैं टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलने के लिए आज बोला हूँ, लेकिन अब इतना गंदा बॉल होगा तो मारूंगा ही, और फील्ड भी इतना खराब है तो भी मारूंगा ही। चलो एंजॉय करते हैं बैटिंग। अब यार ऐसा ऐसा बॉल फेंकोगे तो पिटाओगे ही ना। ये क्या बॉल है भाई? पिछला ओवर मैंने कितना अच्छा सम्मान दिया था, क्योंकि बॉल अच्छा था, फील्ड भी अच्छा था। अभी यार तुम इतना, अब देखो ये फील्ड अच्छा है तो यहाँ पर फिर मैं सम्मान दूंगा या फिर सिंगल लूंगा, लॉफ्टेड शॉट नहीं खेलूंगा। अब इतना खराब, मतलब तुम फील्ड और बॉलिंग करोगे तो पिटाओगे ही ना दोस्त। अब देखो फिर ये वाला फील्ड खराब आ गया है, अब इस पे फिर मैं मारूंगा तो तुम बोलोगे कि भाई स्पिनर्स को मारते हो, रगड़ते हो स्पिनर्स को। एक और चौका, और अब कवर स्कूपर हो चुका है हमारा 3 चौका। लेकिन आपको बताना आपका कौन सा है फेवरेट शॉट ऑफ द डे, और अभी भी तुम्हारा भाई एमआरएफ से खेलता है किंग कोहली फैन। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक सामने शॉट खेला जाए, और खेल दिया यार, क्योंकि आजकल तुम्हारे भाई के गेम प्ले ना थोड़ा सा प्रो हो गया, मतलब लेवल अप हो गया थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं। और सोलंकी को शायद मैंने आउट किया था, आप बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। क्या सोलंकी को मैंने ही आउट किया था? भाई ये बॉल तो अच्छा है, और काफी रिस्की बॉल था, ये नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत भाई, मेरे को लगा ये चौका नहीं जाएगा, ये सिंगल के लिए मैं खेला हूँ, लेकिन इतना अच्छा प्यारा कनेक्शन हुआ था कि मैं थोड़ी देर के लिए वेट किया कि लिटरली कहीं चौका जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पर देख लेते हैं। पर बैट कुछ ज्यादा पतला नहीं है मेरा, पर इस पतला बैट से मैं शॉट खेल रहा हूँ लिटरली। भाई ये मेरा शॉट ऑफ द डे तो हो गया भाई, शॉट ऑफ द डे बहुत प्यारा था, स्ट्रेट ड्राइव, और इतना प्यारा शॉट ऑफ द डे नहीं होगा तो क्या होगा फिर। और 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, मैं आज तमीज से खेल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को 50 या फिर 100 करना ही है। मतलब अब ये फील्ड दोगे तो रन तो जाएगा ही। चलो इसी के साथ चौथा चौका भी आ गया, चौथा या पांचवा मेरे को नहीं पता, आप बताना कमेंट बॉक्स में। एंड हाँ आप बताना कि आपका शॉट ऑफ द डे कौन सा है, और आपको कौन सा शॉट आज पसंद आया। मतलब बात तो सेम ही है, मैं हग रहा हूँ सॉरी। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो ऐसी पगलती देखने के लिए, ठीक है। चलो एक चौका खाने के बाद ये लोग अपना औकात पा जाते हैं, और ये लोग अपना फील्ड भी सही कर लेते हैं। तो चलो एक सिंगल लेकर के नॉन स्ट्राइकर इंड पे जाते हैं, लेकिन नहीं भाई ये तो ओके ठीक है, ये डबल है, और 3 रन भी भाग सकता हूँ। नहीं भागता हूँ, क्यों भागना है, रनआउट कराना है, नहीं ठीक है। चलो फाइनली 29 बॉल के बाद अब फास्टर को फेस करने का समय आ चुका है। एंड एक तो यार ये फास्टर, इनको बोलने में शर्म आता है यार, लिटरली बता रहा हूँ। ये समझ लो कि फास्ट स्पिनर से 2-4 कदम ही ज्यादा है, लोग ज्यादा फास्ट फेंक लेता है भाई, लिटरली इनको फास्ट बोलने में शर्म आता है दोस्त। ले चौका खाए भाई, ये तो चौका है, ये शॉट ऑफ द डे लिख दो भाई, ये शॉट ऑफ द डे होगा, इससे बेस्ट शॉट मुझे नहीं लगता है क्रिकेट 24 में होगा, खासकर टेस्ट में। चलो कभी कभी मार लेता भाई, क्या शॉट है यार, रिप्ले तो बनता है यार। तुम शॉट देखो दोस्त, व्हाट अ क्लास, लिटरली मिडल ऑफ द बैट, और 1 सेकेंड, मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुआ यार, ये तो थंबनेल में होना चाहिए यार, क्या बोलते हो। चलो ये थोड़ा सा कायदे में देखो तो फील्ड अच्छा है यार, वो इतना गंदा फील्ड था जो लोग सजा के रखे हुए थे। चलो इसके साथ 2 ही रन आया है, और मेरा रन विद इन द विकेट मेरा थोड़ा सा खराब है, कैसे इंप्रूव करते हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में, और मैं वो चीज करूंगा। आई थिंक जिम से रिलेटेड कुछ है जो कि मैं कभी करता नहीं हूँ, जिम विम कभी नहीं, मैं कि नहीं किया हूँ, तो प्लीज बताना क्या इससे इफेक्ट होता है जिम विम से। और रहा बात आज का इनिंग का, तो क्या रेट देना चाहोगे आप ये इनिंग का प्लीज बताना यार, क्योंकि आज का इनिंग मैं बताऊंगा एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग है जो आज मैं खेला हूँ। मतलब इससे अच्छा इनिंग मुझे नहीं लगता मैं कभी खेल पाऊंगा टेस्ट में भाई, बहुत क्लासिक इनिंग खेला हूँ, बहुत सोच समझ के खेला हूँ। सो बैक टू बैक आ चुका है 2 चौका, और हाफ सेंचुरी के लिए चाहिए मेरे को सिर्फ 1 रन।
क्या वो एक रन इसी बॉल पे आएगा? डेफिनेटली यार, बैक टू बैक तीन चौका सेम बॉलर को और हमारा हो चुका है 50। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आज 50 से काम नहीं चलने वाला, आज मेरे को चाहिए एक सेंचुरी। ओके चलो, पहली बार कोई बॉलर आया है ओवर द राउंड द विकेट और इसको मैं लेने वाला हूँ आड़े हाथों, क्योंकि मिड विकेट पूरा खाड़ लिए, लिटरली बता रहा हूँ, इसको मैं लेना आड़े हाथ, बहुत तगड़ा वाला इसको पेलने वाला हूँ, तो चलो मजा आने वाला भाई ये वाला में। भाई राउंड विकेट, बहुत देर के बाद कोई बॉलर आया है तो मैं तो इसको मारने वाला हूँ बहुत बुरी तरह से। और एक छक्का भी आ चुका, अभी तक छक्का एक भी नहीं आया था और एक छक्का भी आ गया, तो चलो इसी के साथ पहला छक्का एंजॉय करो। एंड आपको बताना आपका शॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। मेरा शॉट ऑफ द डे तो वो स्ट्रेट ड्राइव था, ये भी अच्छा है, मतलब अच्छा है, लॉन्ग ऑन पे एक सिक्स, बट स्ट्रेट ड्राइव मेरा फेवरेट था। एंड अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज से लाइक सब्सक्राइब कर दो। सो इस ओवर में मैंने मैके को पूरा पेल दिया है, मैंने क्या कर दिया, मैके को पूरा पेल दिया है। अभी तक चार बॉल खेला हूं जिसमें से तीन चौका और एक छक्का है, मतलब 18 रन चार बॉल में आ चुका है और इसी से हम बहुत नजदीक हो चुके हैं अपने सेंचुरी से, मतलब 71 रन हो चुका है, एक बॉल है। मैं ट्राई करूंगा कि इस बॉल पे भी मैं मारूं, और हाँ मैंने वही किया था, इस बॉल पे भी मारा। यार कुछ भी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया दोस्त, अच्छा इनिंग था, मतलब काफी अच्छा इनिंग था। एक बार मैं देखना चाहूंगा रिप्ले आपका कि आप लोगों ने कैच कैसे पकड़ा है दोस्त, एक बार जरा दिखाओगे मेरे को कैसे कैच पकड़ो। हाँ देखो गए हो, अब यहाँ से थोड़ा स्लो कर देते हैं, ये देखो ये गए हैं, ये मुड़े हैं, देखें ये मुड़ के पहले देखें कि जज की, अरे नहीं नहीं यहाँ से कैच पॉसिबल नहीं है, फिर आगे गए फिर कूद के कैच पकड़े। दोस्त कुछ ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो गया मतलब ये तुम्हें, कोई बात नहीं चलो सीधा बढ़ते अपने बॉलिंग की ओर। बाय द वे लिटरली टीम बहुत अच्छा खेली है और मेरे को ये लोग बॉलिंग दिए ही नहीं, और मैं सीरियसली भाई ये मेरे को बॉलिंग दिए ही नहीं, और रे मां कसम कितने बड़े स्कैमर है भाई ये लोग। ओ चूना लगा दिया, मैं नहीं कर रहा भाई, ये चीटिंग कर रहे हैं बे, ये लोग मेरे को बॉलिंग दिए ही नहीं, मां कसम भाई ये टीम के लिए मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूं और उसके बावजूद ये टीम ऐसे कर रही है। भाई तुम देखो यार, चार विकेट दूसरा इनिंग में, अच्छा मेरा मेरे से अच्छा खेला किसी ने, ठीक है यार मैं समझ गया यार। सेकेंड इनिंग में मेरे को बॉलिंग ही नहीं मिला, जब मैं चाहता था बॉलिंग मिले तब बॉलिंग नहीं मिलता है, और जब मैं नहीं चाहता हूँ कि बॉलिंग मिले उस टाइम बॉलिंग दे देते हैं ये लोग। चलो यार कोई बात नहीं, मैन ऑफ द मैच रह गया, वरना एक और मैन ऑफ द मैच मुझे मिल सकता था। चीटिंग किए भाई ये लोग, पता है तुम्हें चीटिंग किए दोस्त, ठीक है दोस्त याद रखूंगा, आप लोगों ने चीटिंग किया ना मेरे साथ, ठीक है याद रखूंगा। चलो इसी के साथ आप सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड हाँ जो लोग नए हो प्लीज से लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो।